जैसे सूरज के अलावा 9 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये साइंस के। तो मतलब कि पृथ्वी जो हमारी घूमती है ना भाई, उसको एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगे। तो 24 घंटा पूरा नहीं हुआ ना रोज का, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 मिनट ज्यादा हुआ। तो एक दिन का 4 मिनट हिसाब करो और 30 दिन का 120 मिनट, तो एक साल में काफी तरफ हो गया ना फर्क। तो हर 3 साल पर एक अधिक महीना आता है, उसी का जो तिथि बदलती है, कोई क्षय होता है, कोई अधिक तिथि होती है। तो हर 3 साल पर अब इस साल में एक अधिक महीना है, अश्विन माह इस बार है। हाँ, इस बार है। तो मतलब कि पृथ्वी जो है 24 घंटे, पृथ्वी सूरज के आसपास भी घूमती है और अपना जो परिक्रमा भी करती है, अपना रोटेशन भी करती है। तो पृथ्वी के अलावा जीवन कहीं भी नहीं। पृथ्वी का नॉर्थ पोल, साउथ पोल, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एक्वेटर, एक्लिप्टिक, कैप्रिकॉन, कैंसर कॉन, ये सब ज्योग्राफी है। हम कितने अक्षांश, कितने रेखांश पर रहते हैं, कितने अक्षांश, कितने रेखांश पर रहते हैं, उसके मुताबिक हमारा वातावरण मिलता है। हम नॉर्थ में रहते हैं, उत्तर में, तो वहाँ पहाड़ रहेगा, ठंडी रहेगी, बर्फ जमी रहेगी। साउथ में रहेंगे, वहाँ भी बर्फ जमी रहेगी। विषुवत में रहेंगे, वहाँ ज़्यादा ताप रहेगा। जैसे अक्षांश रेखांश हमारा बदला है, तो गर्मी, ठंडी, ये सब मौसम बदलती रहेगी, है कि नहीं। उत्तर में जाएंगे तो वहाँ क्या, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग और समर, इतना ही। वहाँ वर्षा 12 महीना लगती है। जैसे नॉर्थ पोल में जाएंगे, साउथ पोल में जाएंगे, वहाँ बरसात गिरती रहेगी। हमारे यहाँ क्या होगा, विषुवत के आसपास जो लोग हैं, इनको ऐसा गर्मी और ठंडी और बरसात, ये तीनों मिलेगा। तो इसी प्रकार पृथ्वी का परिभ्रमण के मुताबिक, पृथ्वी की आबादी 600 करोड़ है, इसमें हमारा स्थान एशिया में है, एशिया में भारत में है, और भारत की आबादी 130 करोड़, कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से आसाम तक हम लोग फैले, है कि नहीं। तो इसके मुताबिक जैसे कि पृथ्वी जैसे 9 प्लेनेट हैं, लेकिन पृथ्वी के अलावा जीवन नहीं। पृथ्वी के आसपास 1000 किलोमीटर का वातावरण है, आगे बैगा अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में सेटेलाइट है, अंतरिक्ष में स्पाइस है, अंतरिक्ष में एयर रॉकेट वगैरह चलते हैं, जितने भी सेटेलाइट हैं उनके चैनल हैं, और उसके चैनल के मुताबिक हमारे मोबाइल, हमारे ईमेल, हमारी सब मशीन वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट पूरा चलता है। क्या बात, हजारों सेटेलाइट है, हजारों सेटेलाइट। हमारे देश ने छोड़ा, उस तरह चाइना, इस तरह जापान, इस तरह यूके, रूस, जर्मन, ये सब इन लोगों ने छोड़े। तो सेटेलाइट एस्ट्रोनॉमी, स्टार एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफिकल एस्ट्रोनॉमी, 3 प्रकार की एस्ट्रोनॉमी है। और एस्ट्रोनॉमी में एक से ज्योतिष, ज्योतिष मतलब कि सूरज के ऊपर चलने से धीरे धीरे इसमें ज्योति में परिवर्तन होगा। तो पृथ्वी के आसपास कौन सा कितना कंट्रोल रहता है, उसको ज्योतिष बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है, ज्योतिष शास्त्र मैग्नेटिक फील्ड है, वो आदमी को खींचता है, ग्रेविटेशन है। जन्म समय कितना टाइम हुआ है, कितना समय है, कितना मैटर सेकंड, उसके जन्म पत्री बनाई जाती है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है। पृथ्वी के ऊपर जन्म हुआ, उस समय ग्रहों की पोजीशन क्या थी, उदय थे, अस्त थे। जो प्लेनेट सूरज के आसपास आता है वो उदय अस्त होता है, जो बीच में रहता है वो कभी उदय अस्त नहीं होगा। जैसे मंगल है, जैसे शनि है, उनका कभी ये नहीं होगा, वो कभी एकदम सूरज के पास नहीं आ जाएंगे। और शनि जो 1 साल में 2.5 साल तक घूमता है, बृहस्पति 1 साल में 13 महीना घूमता है, और जैसे यूरेनस 7 साल और नेपच्यून 14 साल, 248 प्लूटो को 248 248 साल लगते हैं, और बुध जो है सो मर्क्यूरी है वो 14 दिन में, और शुक्र जो है 25 दिन में परिक्रमा पूरी करता है। तो राहु जो है 18 साल और केतु है वो भी 18 साल। राहु जो है एक राशि में जैसे देखते हैं डेढ़ साल रहता है, 36, 12, 18 महीना, और उनकी परिक्रमा जो है 18 साल की होती है, लेकिन 18 साल के बाद वो फिर दूसरी बार में आएगा। शनि जो है 30 साल के बाद आता है, बृहस्पति हर साल में बदलता रहता है। शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहता है, 12 राशियाँ पूर्व करने में शनि को 30 साल लग जाते हैं।
तो इसी प्रकार ये कॉन्टेक्ट ज्योतिष शास्त्र का है। जन्म समय हमारी पोजीशन किस ग्रहों के बीच रही उसके मुताबिक विद्या, सुख, घर बार, गाड़ी ये सब हमको मिलती है। और जिसके प्लेनेट जो अच्छे नहीं होते उनको बस उनको काम ही करना पड़ेगा। और जो फिर उसे जन्म कुंडली बनाई, पहला स्थान लग्न स्थान, दूसरा स्थान धन स्थान, तीसरा स्थान पराक्रम, पराक्रम यानी भाग्य को देखना, तीसरा स्थान है पराक्रम बोलते हैं, चौथा है मातृस्थान हृदय बोलते हैं हृदय स्थान, पांचवा विद्या है और छठा जो है वो रिपु स्थान है। हमारे कहते हैं दुश्मन है हमके किससे झगड़ा करते हैं करेंगे तो उसमें रिपु बोलते हैं। और सातवा है हमारा कलत्र स्थान है दाम्पत्य जीवन। और अष्टवा है हमारी मृत्यु कब होगी, हमें किस प्रकार का ग्रह आठवें स्थान मिला है। और नौवा है हमारा भाग्य, हमारा भाग्य किस प्रकार बदलेगा, भाग्य कौन ग्रह है और किस राशि में चल रहा है, कौन महादेश है तो भाग्य से जानते हैं। और दसवा हमारा कर्मस्थान, हम योगी बनेंगे, महंत बनेंगे या अधिकारी IAS होंगे, IPS होंगे या कोई मिनिस्टर होंगे तो दसवें स्थान पर। और ग्यारहवा स्थान हमारा मित्र, हमारे भाग्य के सहारे हमारे जो लाभ करता होता है उससे ग्यारहवा होता है। बारहवा स्थान और व्यय स्थान है। बारहवा में जैसे हमारा कभी कोई यात्रा करना जाना है, तीर्थ जाना है तो हमारे बारह स्थान पर नृत्य करते हैं। तो एक कुंडली का प्रतियोग ज्योतिष शास्त्र मैग्नेटिक फील्ड है। सूरज ग्रहपति है, सूरज जैसे 200 अबज तारे हैं और 20 स्टार सुपर स्टार मोर देन सोलर, 20 तारे हमारे सूरज से भी 70-80 हजार गुने बड़े हैं। इसके अलावा ब्लैक होल है, सुपरनोवा स्टार है, गैलेक्सी है, मिल्की वे है, आकाश गंगा है, कई सारी आकाश की प्रवृत्तियां चलती है। पृथ्वी एक छोटा सा प्लेनेट है, पृथ्वी के अलावा मानव जीवन कोई भी नहीं, बुध नहीं, शुक्र नहीं, मंगल नहीं, बृहस्पति नहीं और जैसे यूरेनस नेपच्यून प्लूटो कोई, केवल मानव रहते हैं क्योंकि पृथ्वी के आसपास 1000 किलोमीटर का वातावरण है। 1000 किलोमीटर आगे जाओ तब अंतरिक्ष होगा, उसी 1000 किलोमीटर में हमें ये सब हवा प्राणवायु ऑक्सीजन मिलते हैं, हम लोग रह सकते हैं। और पृथ्वी पर तीन भाग में पानी है, केवल एक ही भाग में जमीन है, तीन भाग में समुद्र है कि नहीं। तो इसी प्रकार पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड पर पटका लेती है और 6 महीना जो है सूर्य उत्तरायण में रहता है, 6 महीने दक्षिण में रहता है। तो इसी प्रकार सूरज है स्टार है, प्लेनेट नहीं, सूरज संचालक है। हर एक ग्रह जो है सूरज के आसपास घूमते रहते हैं और सितारे जो है वो अपनी जगह पर जमे हुए हैं, सितारों में से नक्षत्र बनते हैं। नक्षत्र 27 है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, उत्तरा, चित्रा, स्वाति, हस्त, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वशाला, उत्तराशाला, श्रवण, सत्तारका, घनिष्ठा, प्रभाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अभिजित, ये सब हमारे नक्षत्र। तो 12 राशियां हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये सब हमारे राशियां हैं। 12 2 24 12 5 3 2.25 नक्षत्र के एक राशि, एक राशि का 9 मास लगेगा और 4 पाया होता है नक्षत्र चरण, उसी के मुताबिक ये सारा होता है।